उनको जब वो गाने गाते थे तो प्रसार नहीं करते होंगे। चुप रहिए, आप क्या करेंगे, डिलीट करो ये सारा, डिलीट करो। सबसे बड़ी समस्या यही है, जब भी अश्लीलता पे सवाल होता है गायकों से तो वो थुक रहे हैं। अरे यार सुनो ना, तो अश्लीलता बहुत ज्यादा बनू तो तू काल से एकर झंडा लेकर घूमो अपना कपार में, छाती को पेट में लगा के। हाँ काल से घूमो, तू इतना तारा खाती पवन सिंह खराब है, बड़े खेसारी खराब है, बड़े पूरा भारत खराब है, तू ही वो सोना के पैदा भइल बड़ो। तारा से ईमानदार के हूँ निखे, सबसे ज्यादा कान में लगा के तू ही गाना सुनबो माइको। अच्छा बात, आप अच्छा बात उठाते हैं ना, हमेशा उठाते हैं, उठाते हैं। सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल की हमने बात ही नहीं की। अरे फिर डबल डबल मीनिंग में घुस गए, डबल मीनिंग डबल मीनिंग। अब मंदिर में जाके भगवान के सिकड़िए नोच के चल जाए, तारा के लिस्ट दिल रहे सिकड़ी नोच के, उनका भगवान मत बुझी हो, तू शैतान बन के जो को एक जगह मत जोड़िए। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, मनोरंजन को अपना अपना स्वार्थ में अपना व्यू बढ़ाने के लिए मनोरंजन को लपेट घुसा के आप लोग ना एक ही जगह घुसाते हैं। जब आप बोल रहे हैं कि जब इतना डेवलप हो गया, तो फिर जब डेवलप हो ही गया तो डबल मीनिंग गाने का क्या मतलब? आपको किसने बोला कि डबल मीनिंग गाया है? किसी ने आपको कागज भेजा है कि डबल मीनिंग है? ये आपका गंदा सोच ने उत्पत्ति डाला है, कहीं ना कहीं डबल मीनिंग। आप तो फिर डबल डबल मीनिंग में घुस गए, डबल मीनिंग डबल मीनिंग। अब मंदिर में जाके भगवान के सिकड़िए नोच के चल जाए, तो तारा के लिस्ट दिल रहे सिकड़ी नोच के, उनका भगवान मत बुझी हो, तू शैतान बन के जो हो। अब तारा दिमाग में जो शैतान बोला तो इलाज बा, तू गाना सुने खातिर सुनते लिखा, तू तो हमें निकाल तारा की हाँ कई गो छेद बा, अच्छा कैसे भैल बा, कहा से तारा पर न्यूज चलावे बा, तू तो अपना भोजन के फेरा में दूसरे के नाम खराब करे में लागल बड़ो। अश्लीलता पे सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल की हमने बात ही नहीं की। आपने बोला कि पवन सिंह जो गाना गाए हैं वो गाना खराब है, मैंने आपको ये जवाब दिया कि अगर वो गाना खराब है तो वो 78 मिलियन क्यों है, गलत क्या बोल दिया? अब आप बोलते हैं कि साली का रिश्ता और बहन का रिश्ता एक ही हो जाए, तो हम जिंदगी में नहीं आपसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये होगा, क्योंकि ससुरार आपने जिस लाइन पे बोल दिया कि उन्होंने जाके बोला, हो सकता है कि वो एक साली को भी थॉट में लेके लिखा होगा लिखने वाले ने, तो वहां पे तो आप कुटा गए फिर, यानी कि एक को बात एक नहीं, कोई बात देखिए नहीं, नहीं, नहीं कोई अपने साली बता रहा है, कोई अपने भौजाई बता रहा है, अश्लील की बात में आ जाता है अश्लील। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो गीत मनोरंजन का नहीं है तो 78 मिलियन लोग कहां से आए हैं, चांद पर से? यानी मनोरंजन कराने के लिए कुछ गा देंगे, आपके घर से आए हैं 78 मिलियन लोग, मनोरंजन कराने के लिए कुछ गा देंगे, तो आप मनोरंजन आप अपना न्यूज चलाने के लिए कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कैसे कर देंगे, जो गलत है तो उसको गलत कर। अरे गलत करे तो आपको ताकत है तो कौन को गाना न्यूज बढ़िया डाले हैं, भीड़ में तनहाई, अच्छा है भीड़ में तनहाई का न्यूज डाले हैं, अच्छा भीड़ में तनहाई के लिए न्यूज डाले हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या, प्रेस विज्ञापन कॉन्फ्रेंस को गोली मारी है इस गाने, आप अच्छा बात विज्ञापित आपने जारी किया, आप अच्छा बात उठाते हैं ना, हमेशा उठाते हैं, उठाते हैं बिल्कुल, तो आपने भीड़ में तनहाई का न्यूज डाला है, उसके लिए हमें अपने प्रेस विज्ञापित जारी नहीं। अरे तुम्हारा प्रेस विज्ञापित बाद में गया, पहले बात समझो, अगर तुम हमको जब ध्यान है अच्छे बातों पे तो तुम कहाँ सोए थे 6 महीना से? माँ के ऊपर गाना है राकेश मिश्रा का 4 महीना पहले के बीच में ही आपने डाला है। हाँ, भगवा रथवा का नहीं बात करें, माँ के ऊपर गाना है, माँ के माँ जो पैदा की है, हमें जानकारी नहीं है। क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते हो? उस गाने के बारे में हमें जानकारी, क्यों नहीं जानकारी है? तुम तो अच्छे चीजों को प्रमोट करते हो, तारा खाती पवन सिंह खराब है, बड़े खेसारी खराब है, बड़े पूरा भारत खराब है, तू ही सोना के पैदा भइल बड़ो। तारा से ईमानदार के हूँ निखे, सबसे ज्यादा कान में लगा के तू ही गाना सुनबो माइक के बाद, करा के बक्चूनर बना। खराब किसी को नहीं करो, उनके गाए हुए गाने की गाने, जब गाने खराब है तो फिर अपने न्यूज चैनल पर कहा चलाओ, तरह अपन न्यूज चैनल का भरोसा बंद कर दो, उस गाने में 10 लाख का शूटिंग हुआ है, तू दिला बड़ा बगल से यार पैसा लगा, तू तो फ्री में न्यूज बोलवा के 10 से 20 लाख रुपए लगा के राकेश मिश्रा से आप न्यूज बना के अपना धंधा चलाएंगे, राकेश मिश्रा को देने नहीं आएंगे। उसके बाद 20 लाख तारा ज्यादा समस्या बा, तो तू पवन सिंह क्या खेसारी के केहू के न्यूज मत डालिया काल से, तारा के हम देख ले तू भोजन चला लिया मत डालिया न्यूज, यानी पत्रकारिता करने का मतलब भोजन चलाना है? बात ये नहीं है, बात ये है कि आप हर विषय को नौटंकी में ले जाके जो पेश कर रहे हैं अपना चैनल चलाने के लिए, गलत है। पत्रकारिता का मतलब पेट चलाना? पहले तो पत्रकार को बदनाम मत करिए, क्योंकि पत्रकार का एक तरीका होता है बात करने का,
वो तरीका आप में नहीं है। कौन सा तरीका हमारा गलत? एकदम नहीं है। आपका जो लैंग्वेज पूरा था ना अभी तक, और मैं भी अगर बोला हूँ ना, तो मैं मानता हूँ कि पवन जी हमसे बहुत बड़े हैं, आदर्श हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। गीत संगीत को गीत संगीत से हट के जब कोई उंगली करता है ना, तो इसको हम इसको बुद्धिजीवी नहीं कहते, क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है। कोई चीज मनोरंजन में आके तो फिर मनोरंजन को बंद कर देना चाहिए दुनिया में। तब बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया तो बहुत गंदा गाना है आपके हिसाब से, उसमें पिपासा बसु इतना पे डांस की है, अब तो बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए। क्या बोलते हैं मतलब हर एक न्यूज बनाने वाले व्यक्ति फिर अब न्यूज पे आ रहे तो बहुत तेज खोपड़ा के बड़ा न्यूज पोर्टक गिल बड़ा तारा में कुत्ता नहीं खा तो सब एक लपेटता रहो। बीते दिनों आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप मीडिया नहीं तारा में कुत्ता नहीं खा, तारा में कुत्ता नहीं खा तो तू सब एक लपेटता रहो। बबली अब आगे लगला एकता बनावे मीडिया मीडिया करता रहो। तारा खुद पत्रकारिता नहीं करे तो लोग के मत जुड़ो। बीड़ी जलाई जिगर से पिया चिकनी चमेली गाना नहीं चला। सबसे बड़ी समस्या यही है जब भी अश्लीलता पे सवाल होता है गायकों से तो वो थूक रहे हैं। अरे यार सुनो ना, अश्लीलता बहुत ज्यादा बानू तो तू काल से एक झंडा लेके घूमो अपना कपार में छाती को पेट में लगा के। हाँ काल से घूमो, तू इतना जैसे दूर नहीं करता रह, काहे ना दूर कर दे चलाओ तो रहो। आइए सब फिर उठा के चलेबा कहबा कि राकेश मिश्रा बहुत गंदे आदमी है। मैंने किसी कलाकार ने आपको बात रखने को कह दिया तो वो बहुत बुरा है, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए जिस आपकी गायकी बहुत अच्छी है, नहीं मेरी गायकी दीवाने सब लोग, मेरी गायकी बहुत खराब है गायकी, लेकिन आप कौन सी गाड़ी दीजिएगा ना तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप खेसारी लाल को गाड़ी दीजिएगा तो नहीं बर्दाश्त। आपने जो लाइन बोला ना, आपकी हिम्मत नहीं है पवन सिंह भैया लाइन बोलने का। अब वो गाना अश्लील है, वो गाना कैसे अश्लील है? 78 मिलियन लोग जो सुने वो अश्लील सुने हैं। आपका घटिया सोच है तो सबका घटिया सोच है, यानी कि आप सोचे घटिया हो गया अगर डबल में। आप ऐसा क्यों सोचते हैं उस गाने को गाने की तरह क्यों नहीं सोचते हैं? अगर आपने एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह खराब है, खेसारी खराब है, रितेश पांडे खराब है, सारे कलाकार तो गाना ही गा रहे हैं 10 साल से वो खराब है। किसी भी गाय को व्यक्तिगत किसी गाय को खराब नहीं बोला गया, आप तो अभी खुद बोल रहे हैं तब से उनके गाये हुए गाने को बोला गया ना। आप दूध के धोए हैं। देखिए सर बीते दिनों आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था मीडिया को लेकर। मेरा वीडियो छोड़िए ना, मेरा वीडियो वायरल से कोई दिक्कत नहीं, हम सच बोलते हैं सच बोलेंगे। हम पवन सिंह को आप बेइज्जत करेंगे और खेसारी को बेइज्जत करेंगे, हम इस बात को नहीं बर्दाश्त करते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन है कि उस आदमी ने 35 साल से जितना गा दिया उतना आपको उम्र नहीं हुआ महाराज। देखिए उनको जब जब वो गाने गाते थे तो पसंद नहीं करते होंगे। चुप रहिए, आप क्या करेंगे? डिलीट करोगे सारा? डिलीट करोगे?